गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीरज एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 9 पॉलिटी के समानता के लिए संघर्ष को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए अब जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं समानता के लिए संघर्ष को। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हम चाहे आप इतिहास की बात करें या अतीत की बात करें या आज की बात करें वर्तमान भविष्य की, यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव होता रहता है, ठीक है। या फिर आपने कई बार ऐसे रूढ़िवादी व्यक्ति देखे होंगे जो भेदभाव हर एक बात में करते रहते होंगे। जैसे आपने एक उदाहरण की यदि हम बात करें तो कई रूढ़िवादी व्यक्ति ये सोचते हैं कि कुछ काम महिलाओं के दायरे या सीमित तक ही हैं, या कुछ काम जो है वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ऐसा उनका सोचना होता है। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो कई व्यक्ति जो रूढ़िवादी धारणाओं के होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो नर्स का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं या डॉक्टर का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं बहुत सहनशील होती हैं, विनम्र होती हैं और आदर भाव की तरह पेश आती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि महिला जो है वो डॉक्टर या नर्स का कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। वहीं यदि हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो रूढ़िवादी व्यक्ति बोलते हैं कि वहाँ पर नहीं नहीं महिला कार्य नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तेज दिमाग चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे रूढ़िवादी जो रहते हैं उनकी ये सोच रहती है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो उनकी ये सोच रहती है कि ये कार्य जो है महिला के बस का नहीं है। तो ऐसे वादी रूढ़िवादी जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव करते रहते हैं। ऐसे ही यदि हम बात करें महिला और पुरुषों के काम की, यदि हम तुलना करें तो ये रूढ़िवादी लोग सोचते हैं कि महिला जो होंगी वो उनके कार्य जो हैं पुरुषों की तुलना में तुच्छ माने जाएंगे, निम्न श्रेणी के माने जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो महिला द्वारा क्या, निम्न श्रेणी ये कोई भी कर सकता है, इस प्रकार के वो बहाने बनाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पर जो भेदभाव हो रहा है उसका मेन कारण, या मैं बोलूँ ये जो भेदभाव होते हैं उसका मेन कारण ये होता है कि हो सकता हो वो किसी विशेष सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थिति का होता है, या फिर वो एक महिला होती है, इस कारण उसके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो भेदभाव होने का कारण ही यही होता है, वो किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषता का व्यक्ति होता है या फिर वो महिला होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आज हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे समानता के लिए संघर्ष। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति इस समानता या न्याय के लिए जो भी संघर्ष करता है वो एक विशेष पहचान बना लेता है, या मैं बोलूं कि समानता के लिए संघर्ष या किसी विशेष न्याय के लिए जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लेता है। वो विशेष स्थान क्यों प्राप्त कर लेता है, या मैं बोलूं या वो विशेष पहचान क्यों बना लेता है, क्यों? क्योंकि इस समता की लड़ाई में उसके साथ कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, या एकत्रित कई सारे लोग एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, इस वजह से वो व्यक्ति क्या करता है, एक विशेष पहचान या एक विशेष स्थान बना पाता है। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा जैसे महिला आंदोलन हुआ, या जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा तवा मत्स्य संघ। तो चाहे आप महिला का आंदोलन हो या तवा मत्स्य संघ हो, इस समता की लड़ाई में वो एक विशेष स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए अब जो है हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्या, समता के लिए संघर्ष। तो इसका हम पहला पॉइंट देखेंगे कि कई क्या होंगे, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य पुरुषों की तुलना में तुच्छ माना जाता है, तुच्छ माना
जाता है, ठीक है। महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य पुरुषों की तुलना में तुच्छ माना जाता है। अब ये तुच्छ जिसे हम बोल रहे हैं भेदभाव, क्या बोल रहे हैं जिसे हम भेदभाव, तो ये भेदभाव होने का मुख्य कारण क्या होता है ये हम देखेंगे। भेदभाव का कारण यदि हम देखें तो क्या होगा भेदभाव का कारण, कि वे कुछ खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे, या फिर वे महिलाएं थी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपको भेदभाव का मेन कारण आपको देखने को यहां पर मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हम क्या लिखेंगे कि जो ये समानता के लिए या न्याय के लिए जो संघर्ष करेंगे, किसके लिए संघर्ष करेंगे, उसका एक अलग या विशेष पहचान होती है। तो हम क्या लिखेंगे, विशेष न्याय के लिए बात कर लेते हैं अपन, न्याय के लिए जो संघर्ष करता है, ठीक है, के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक विशेष पहचान बना लेता है, अब ये विशेष पहचान क्यों बना लेता है, क्योंकि फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इस समता की लड़ाई में, किसकी लड़ाई में, समता की लड़ाई में कई लोग इनके साथ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कई लोग बोलते हैं या बड़ी संख्या में बोलते हैं, तो बड़ी संख्या में ये लोग इनके साथ हो जाते हैं, इस कारण से ये जो है एक विशेष पहचान क्या बना लेते हैं, कि ये विशेष पहचान बना लेते हैं जो भी व्यक्ति इस संघर्ष की या इस समता की लड़ाई में संघर्ष करता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे, इसको आप देख लें। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे महिलाओं का आंदोलन, ठीक है ना। एक तो ये हो जाएगा महिलाओं का आंदोलन, दूसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तवा मत्स्य संघ, ठीक है। तो आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, तवा मत्स्य संघ को डिस्कस करने वाले हैं। महिलाओं का आंदोलन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तवा मत्स्य संघ को। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो अब हम चलते हैं तवा मत्स्य को डिस्कस करने। तो आखिरकार ये क्या होता है तवा मत्स्य, तो तवा मत्स्य समझने से पहले हम ये समझे कि यदि किसी जंगल को या बहुत बड़े जंगल के क्षेत्र को यदि हम एक अभयारण्य घोषित कर देते हैं, या फिर मैं बोलूं यदि हम उस जंगल में एक बांध का निर्माण करवा देते हैं, तो वहां पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो रहवासी जो होते हैं वहां पर, वो प्रभावित हो जाते हैं। कैसे, कि वहां पर यदि अभयारण्य या बांध बनाना प्रारंभ हो जाता है या घोषित कर दिया जाता है, तो वहां पर जो व्यक्ति होंगे उनका विस्थापन चालू हो जाता है, तो हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। मतलब गरीब जो लोग थे वो और गरीब हो जाते हैं। यदि हम इस विस्थापन की यदि हम बात करें कि आखिरकार लोग विस्थापित हो जाते हैं तो दूसरी जगह जाकर वो रह सकते हैं, तो संभवतः ये जो विस्थापित होने वाले लोग जो होते हैं वो गरीब ही होते हैं। इनकी जो दैनिक जो जीवनचर्या होती है या जिसके द्वारा ये अपना जीवन यापन करते हैं, वो तो प्रभावित होती ही होती है। अर्थात मतलब यदि हम बात करें किसी व्यक्ति को विस्थापित करने की, तो वो अपने काम काज जो उसके जो घर चला रहा था, जो भी उसके काम कर रहा था, वो तो प्रभावित होता ही होता है। साथ में जो उसके बच्चे जो पढ़ते हैं, जहां वो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी प्रभावित हो जाती है। क्यों, क्योंकि गरीब जो व्यक्ति होता है वो बड़ी मुश्किल से तो बच्चों को पढ़ाता है,
यदि वो विस्थापित हो जाएगा तो उसके लिए एक नई जगह, एक तो ढूंढना, कामकाज ढूंढना, फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए स्कूल ढूंढना, तो ये सारी चीजें एक प्रकार से बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है जिन भी व्यक्तियों को हम विस्थापित करते हैं। तो विस्थापित केवल उसके दैनिक जीवन या उसके रहन सहन से नहीं फर्क पड़ता, प्लस उनके जो साथ जो बच्चे होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। बल्कि यदि शहर में वो कहीं दूर दराज जाकर वो विस्थापित होते हैं तो जो बच्चों के जो स्कूल रहेंगे वो भी दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये गरीब लोग ये स्कूल बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से विस्थापित होने से ये प्रभाव पड़ेंगे। तो आज हमारे देश में ये विस्थापित की भी एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। तो चलिए अब जो है हम तवा मत्स्य संघ को डिस्कस कर लेते हैं। तो तवा मत्स्य संघ जो होता है वो, अगर हम बात करें कि आखिरकार किस प्रकार से ये तवा मत्स्य संघ बना, तो इसको आप देखेंगे कि बैतूल जिले के महादेव पहाड़ी से एक तवा नदी निकली है जो होशंगाबाद में नर्मदा नदी में आकर मिलती है बैतूल से बहकर होते हुए। तो अब यदि हम बात करें इस तवा मत्स्य संघ की कि आखिरकार यहाँ पर किस कारण की वजह से आंदोलन हुए या समता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसमें क्या होता है कि नदी तो आकर मिल रही है लेकिन इस तवा नदी पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि तवा नदी पर 1958 में, अभी अपन रफ लिख रहे हैं, 1958 में तवा नदी पर बांध निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, जो कि कहां तक कब तक चलेगा, 1978 तक इसका कार्य चलेगा। तो इतने साल में वहां पर तवा नदी पर एक बांध या एक पुल का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से जंगलों में रहने वाले कई सारे जीव जंतु, या भूमि की यदि हम बात करें जो कृषि युक्त जो भूमि थी वो भी प्रभावित होती है या डूब जाती है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को यहाँ पर विस्थापन होना पड़ता है। अब क्या होता है कि 1994 में एक और डिसीजन आता है गवर्नमेंट का, वो ये कहती है कि हमने बांध का निर्माण तो करवा दिया है लेकिन इसमें जो मत्स्य, जो मछली पकड़ने का जो कार्य होता है वो स्थानीय लोगों को के छोड़कर वो ठेकेदारों पर प्रारंभ या ठेके में दे देती है। अब ये जो निजी ठेकेदार होते हैं वो स्थानीय लोगों को वहां पर हटाकर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम जो है यहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य नहीं करेंगे, यहाँ पर वो दूसरे जो श्रमिक जो लोग थे, निजी ठेकेदारों के जो लोग थे वो आकर ही केवल मछली पकड़, या वो ही लोग मछली पकड़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो स्थानीय लोग रहते हैं उनको वहाँ से बेदखल या उनको मना कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो स्थानीय या जो गांव के जो लोग होते हैं उनकी ये मांग होती है कि हमें कम से कम यहाँ पर मछली पकड़ने या जीवन यापन करने के लिए, जैसे तैसे हम लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं उसका एक अधिकार दे दिया जाए। अब ये गाँव वाले एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, या मैं बोलूं लड़ने के लिए, वो एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है तवा मत्स्य संघ, या तवा मत्स्य संगठन का नाम निर्माण करते हैं। अब ये नवगठित जो ये संघ होता है ये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मांग करती है कि सरकार से ये दरखास्त करती है कि हमें इस तवा नदी पर जो बांध बनाया गया है उसमें हमें मछली पकड़ने की अनुमति दे दी जाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो तवा मत्स्य संगठन होता है ये आंदोलन करती है, ये चक्का जाम करती है, इस प्रकार से ये कई सारे प्रदर्शन भी करती हैं ताकि सरकार क्या करे, इनके अधिकारों की रक्षा कर सके या इनकी मांग को स्वीकार कर ले। तो अब क्या होता है कि 1996 में, यानी कि 1996 में मध्य प्रदेश की सरकार जो होती है वो ये जो विस्थापित या ये जो संगठन होता है इनको यहाँ पर मछली पकड़ने का अधिकार दे देती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तवा मत्स्य संघ का निर्माण होता है और अनुमति जो होती है वहाँ के विस्थापित लोगों को मिल जाती है। तो चलिए अब जो है हम इसको वन बाय वन लिखते हैं। तो सब पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये जो तवा नदी है, तवा नदी ये कहाँ से निकली है, तो ये
छिंदवाड़ा के महादेव पहाड़ी से निकली है। ठीक है, तो महादेव पहाड़ी से निकली है और ये होशंगाबाद की जो नर्मदा नदी है वो उसमें आकर मिलती है कहां से? बैतूल से होती हुई। तो कहां से आकर मिलती है ये होशंगाबाद नर्मदा नदी में? ये बैतूल से होती हुई, बैतूल से होकर ये नर्मदा में आकर मिलती है। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है कि इस पर बांध का निर्माण कब प्रारंभ किया जाता है? तो ये किया जाता है 1958 में। ठीक है, 1958 में बांध का निर्माण प्रारंभ किया जाता है और 1978 में पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये इस पर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जंगल के बहुत बड़े क्षेत्र या कृषि युक्त भूमि डूब जाती है। इस बांध की वजह से क्या हो जाएगा? कृषि युक्त भूमि डूब जाती है और जिससे जंगल के निवासी सब कुछ खो बैठते हैं, अब क्या होता है कि ये तो सब खो बैठते हैं। अब 1994 में, यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों के हाथ में देती है। ठीक है, तो ये जो इसका कार्य होता है वो किसके हाथ में दे देती है? निजी ठेकेदारों के हाथ में ये कार्य दे देती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ठेकेदार होते हैं, ये स्थानीय जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर मछली पकड़ने से मना कर देते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि तो ठेकेदार स्थानीय लोगों को काम देने से मना कर देते हैं ठीक है, तो यहां पर जो ये काम करने से मना कर देगा ठेकेदार, तो अब ये गांव वाले क्या करेंगे कि एकजुट होकर एक संघ का निर्माण कर लेंगे अपनी मांग को पूरा करने के लिए। गांव के लोग एकजुट होकर एक संघ का निर्माण या संगठन जिसे अपन बोलते का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है क्या? तवा मत्स्य संघ, जिसको बोला जाता है तवा मत्स्य संघ। ठीक है, इसका निर्माण करती है। अब ये अपनी मांग को पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? एक आंदोलन करेंगे। ठीक है ना, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, इस प्रकार के ये कार्य करेंगे। और फाइनली सेवन पॉइंट क्या हो जाएगा कि 1994 में जो एमपी की सरकार होती है, इनकी मांगों को
मान लेती है। इनकी मांगों को मांग लेगी एमपी की सरकार कब? 1994 में। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। तो अब हम चलते हैं भारत का संविधान एक जीता जाता दस्तावेज के बारे में। तो न्याय के लिए आपने देखा होगा कि न्याय के लिए हम कई सारे आंदोलन करते हैं, या नुक्कड़ नाटक करते हैं, या कविता गाते हैं, गीत गाते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, ये सब एक प्रेरणा का एक भाव होता है, जो कि मनुष्य का एक प्रकार से समता का ही भाव कहलाता है या होता है। लोकतंत्र के यदि हम केंद्र की बात करें तो लोकतंत्र के केंद्र में ये समता का ही तो एक केंद्र होता है, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार, समान रूप से रहने का भी अधिकार दिया गया है, समान रहने का भी अधिकार दिया गया, जो कि हमें लोकतंत्र में एक समानता का भी अधिकार दिया गया है। वहीं यदि हम लोकतंत्र में कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, या मैं बोलूं लोकतंत्र में जो ये चुनौतियां पूर्ण जो मुद्दे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा महिलाओं के श्रम के लिए कम मूल्य देना, या मीडिया जो होते हैं, संचार माध्यम जो होते हैं, कम्युनिकेशंस जो माध्यम होते हैं, उसमें व्यवसायीकरण का, निजीकरण का, बिजनेसमैन का एनरोल होना, या मैं बोलूं ये जो देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका प्राइवेटीकरण होना, निजीकरण होना, ये एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण मुद्दे होते हैं। और ये जो मुद्दे होते हैं, डायरेक्टली यदि हम बात करें तो इन मुद्दों से केवल गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन मुद्दों को हमें न्यायपूर्ण समानता के लिए, इस समता के लिए हमें उठाना एक महत्वपूर्ण कदम होता है, या हम बोल सकते हैं कि इस लोकतंत्र में उसके लिए संघर्ष करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो संविधान हमारा एक प्रकार से जीता जाता दस्तावेज होता है। तो चलिए हमारे जो ये लास्ट पॉइंट है, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या कि यदि हम पहला पॉइंट देखें, क्या कि न्याय के लिए, किसके लिए? न्याय के लिए, न्याय के लिए क्या करेंगे आप? आंदोलन हो सकता हो, न्याय के लिए आंदोलन, नाटक, कविता, ये सब क्या है? ये एक प्रेरणा का भाव है, प्रेरणा का भाव है, जिस जो कि मनुष्य के अंदर क्या जगाएगा, क्या उत्पन्न करेगा? वो समता। ठीक है, मनुष्य की समता का ही होता है। ठीक है, मनुष्य की समता का ही भाव होता है। और लोकतंत्र में, और लोकतंत्र के लिए चुनौतियां क्या होती हैं? सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में चुनौतियां की यदि हम बात करें तो चुनौतियां क्या हो सकती है? पहला, महिलाओं के श्रम के लिए कम मूल्य देना। ठीक है, ये मीडिया की अगर हम बात करें या संचार माध्यम की, दूसरा क्या हो जाएगा? संचार माध्यम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मीडिया। ठीक है, संचार माध्यम या मीडिया पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव की यदि हम बात करें, थर्ड क्या हो जाएगा? कि जैसे हम बोलें देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, ये एक प्रकार से क्या होंगे? लोकतंत्र में चुनौतियां भरा मुद्दा रहेगा या तत्व रहेगा। और ये मुद्दे जो रहेंगे, ये डायरेक्टली क्या करेंगे? ये गरीबों को प्रभावित करेंगे।
ठीक है। तो ये मुद्दे जो रहेंगे डायरेक्टली किसको प्रभावित करेंगे, तो ये गरीबों को प्रभावित करेंगे। इसलिए ये जो लोकतंत्र होता है, क्या होता है, लोकतंत्र में समता के लिए या फिर इसके संघर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण क्या होगा, एक तत्व महत्वपूर्ण या रोल प्ले करेंगे, तत्व होता है संघर्ष के लिए, एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो ये जो हमारा समानता के लिए जो संघर्ष का जो चैप्टर होता है, आज के लिए केवल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। थैंक यू सो मच।